अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को नशे के अवैध व्यापार पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के जहर से समाज को बचाने के लिए नशे के अवैध कारोबार की जड़ों पर प्रहार जरूरी है। ऐसे अपराधियों को ध्वस्त करें, नशे के अवैध व्यापार ध्वस्त करना हमारा कर्तव्य है। खुले में शराब पीकर हुड़दंग करने और वाहन चलाने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती है। गत 2 दिवस में नशे के अवैध व्यापार पर की गई प्रभावी कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन बधाई का पात्र है। नशे के कारोबारी और माफियाओं को किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जाएगा, यह हमारा संकल्प है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना, ईओडब्ल्यू के एडीजी अजय शर्मा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के अवैध कारोबार में लिप्त व्यक्तियों पर की जा रही कार्रवाइयों की जानकारी जनता को दी जाए, इससे अपराधियों में भय का वातावरण व्याप्त होगा और जन सामान्य स्वयं को सुरक्षित अनुभव करेंगे। ड्रग्स के प्रभाव से पारिवारिक हिंसा के प्रकरण भी बढ़ रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों को नशे के जहर से बचाकर बेहतर समाज बनाना हम सबका दायित्व है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि खुफिया तंत्र को सशक्त कर उन्हें पुरस्कृत करने की व्यवस्था भी की जाए। प्रदेश में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई जाए तथा जेलों में भी नशा मुक्ति इकाइयां स्थापित की जाए। कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों का मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर सम्मान किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि प्रदेश में नशे के अवैध व्यापार के विरुद्ध 2 दिनों में 7,662 कार्रवाइयां की गई हैं। प्रदेश में त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी हुक्का बार बंद करा दिए गए हैं। इंदौर, भोपाल और ग्वालियर में विशेष रूप से कार्रवाई की गई है। 2 दिवस में NDPS एक्ट में 189 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। अवैध शराब के विरुद्ध 2,589 प्रकरण दर्ज कर 16,600 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने के 163, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के 335 तथा शराब पीकर वाहन चलाने के 200 प्रकरण बनाए गए। नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार से संबंधित 1700 और अवैध शराब से संबंधित 2,486 संदिग्ध स्थानों पर छापे मारे गए हैं। बताया गया कि नशे के विरुद्ध जागरूकता के लिए स्कूल कॉलेज सहित सोशल मीडिया और विभिन्न प्रचार माध्यमों पर गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। कलेक्ट्रेट के NIC केंद्र से कमिश्नर अलिन सुचारी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक KP वेंकटेश्वर रॉय, कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, SDM शैलेंद्र सिंह तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक लाल कार्यक्रम में शामिल हुए हैं।